दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल सोशल बिकू पर। महत्वपूर्ण खबर निकल कर यार आपको बता दें कि EPS 95 पेंशनर्स के लिए नेशनल एजिटेशन कमेटी के प्रेसिडेंट यानी माननीय कमांडर अशोक राउत जी का जो नवंबर माह में कार्यक्रम है उसका लिस्ट आ चुका है, जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना होने पाए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रेसिडेंट जी का जो है कार्यक्रम नवंबर में। आप सभी को बता दें कि एक कार्यक्रम जिस जिस दिन है, अगर आप उस जिले से या उस राज्य से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर उपस्थित रहें। तो ये देखिए, सबसे पहला जो कार्यक्रम का डिटेल निकल के आ रहा है वो स्टार्ट हो रहा है इलाहाबाद प्रयागराज से। प्रयागराज में 1171 जो है ट्रेन नंबर है और ये भुसावल से प्रयागराज के लिए चल रही है और ये ट्रेन भुसावल से प्रयागराज पहुंचेगी जो है 12 तारीख को। जो कार्यक्रम है वो है उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन प्रयागराज 13/11/2019 को। उसके बाद 13 तारीख को आप देख सकते हैं, यहाँ पर 14 तारीख को जो 13 तारीख को जो ट्रेन है वो अगला जो ट्रेन है 1308 जो ट्रेन नंबर है और ये प्रयागराज से चलेगी कोलकाता के लिए, जो कि वहाँ पर पहुँचेगी 14 तारीख को। उसके बाद वेस्ट बंगाल राज्य अधिवेशन है कोलकाता में, वो 15 तारीख को है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 12/8/34 जो कि हावड़ा से जमशेदपुर के लिए निकल रही है वो है 16/11/2019 को, यानी झारखंड राज्य अधिवेशन जो है वो जमशेदपुर में है 16/11/2019 को। उसके बाद 18/4/78 जो है टाटा नगर से भुवनेश्वर के लिए निकलेगी और आपको बता दें कि उड़ीसा जो राज्य अधिवेशन है वो भुवनेश्वर में होगा, 17/11/2019 को कार्यक्रम है उनका। फिर 22/8/27 है जो कि भुवनेश्वर से निकलेगी रायपुर के लिए और अधिवेशन का कार्यक्रम जो रहेगा यानी छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन का जो कार्यक्रम है वो 18/11/2019 को रहेगा। उसके बाद 12/8/60 है जो कि रायपुर से मलकपुर के लिए निकलेगा और जो कि कार्यक्रम होगा आगे वहाँ पर के लिए है। तो ये है महत्वपूर्ण कुछ डेट्स जिस दिन आप देख सकते हैं किस दिन किस जगह का राज्य का जो है अधिवेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आपको लोग जैसा कि जान चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन है वो प्रयागराज में 13/11/2019 को है, वेस्ट बंगाल राज्य अधिवेशन है कोलकाता में वो 15/11/2019 को है, झारखंड राज्य अधिवेशन है वो जमशेदपुर में है 16/11/2019 को है और उड़ीसा राज्य अधिवेशन है भुवनेश्वर में जो कि 17/11/2019 को है, छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन है जो कि रायपुर में है वो है 18/11/2019 को। तो मैं आशा करता हूँ जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक ले जा रही दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।